इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरहदी इलाकों में वीडीसीज को किया जा रहा है मजबूत। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, राजौरी के लोग बहुत बहादुर हैं, सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा होगा, सिक्योरिटी एजेंसियां मुस्तैद है। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बयान दिया है, सरहदी इलाकों में वीडीसीज को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, राजौरी के लोग बहुत बहादुर हैं, सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा होगा, सिक्योरिटी एजेंसियां मुस्तैद है। वीरों और योद्धाओं की धरती है और इस भूमि पर पड़ोसी देश के षड्यंत्रों और नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों ने हिंसा पर प्रभावी नियंत्रण किया है और जो लोग इस प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जा रहा है। हमारे संकल्प में भूतपूर्व सैनिकों की भागीदारी विलेज डिफेंस कमेटी को और सशक्त प्रशिक्षित किया जा रहा है। हम सब मिलकर एक संकल्प में ये जो टेररिज्म यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, इसे हम जल्द से जल्द दूर भगाएं और पड़ोसी देश की कोशिशों को नापाक साबित करें। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दक्षिण मरवा में लैंडस्लाइडिंग हुई है, चट्टान का एक बड़ा हिस्सा रोड पर आ गिरा है, आमदोरफ्त की सरगर्मियां मुतासर हुई है। अब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा रोड पर आ गिरता है, जिससे आमदोरफ्त की सरगर्मियां मुतासर होती है। दक्षिण मरवा में ये लैंडस्लाइडिंग हुई है, किश्तवाड़ का ये मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से दक्षिण मरवा में लैंडस्लाइडिंग हुई है, चट्टान का एक बड़ा हिस्सा गिरता है और उससे आमदोरफ्त की सरगर्मियां भी मुतासिर हो जाती है। आगे बढ़ते, बारामूला जिले में ताजा बर्फबारी ने लोगों बिलखसूस किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी है। बारामूला के बाला इलाकों रफियाबाद, हाजबल, चंदूसा, रामपुरा, राजपुरा और जिले के दीगर पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 8 इंच से 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। चले कलान में होने वाली बर्फबारी को बागबानी और जरिए शोबों के लिए फायदेमंद समझा जाता है, क्योंकि गर्मियों में अच्छी बर्फबारी आबपाशी और पीने के पानी का अहम जरिया। बर्फबारी से मुंसलिक इलाके खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह बादलों से निकलने वाली धूप ने कुदरत के हुस्न में इजाफा कर दिया है। बर्फ से जुड़े बेशतर इलाकों में बर्फ साफ करने का काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया और उनके जवान और मिशनरी बर्फ से जुड़े सड़कों पर बर्फ साफ करते देखे गए। दूर दराज इलाकों में बर्फबारी देखने के बाद बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे। उनका कहना है कि वो बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और स्केटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बर्फ पड़ी है, हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे बर्फ़ पड़ने का, और कल हमने इंतज़ार किया था और आज पड़ गई। ये यहाँ हमें हम अपने फ्रेंड्स के साथ स्केटिंग भी करते हैं और हम ये यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एरिया बन गया है यहाँ पर, और ये रोड भी साफ। हालिया बर्फबारी ने शोपियां के क्लर बेल्ट में परेशानियां बढ़ा दी है। बर्फ साफ कर दी गई है लेकिन गाड़ियां चलने के काबिल नहीं है, क्योंकि बर्फ को मुकम्मल तौर से साफ नहीं किया गया है। दरअसल क्लर बेल्ट में मरीजों, तलबा और मुलाजमीन को परेशानी का सामना है। मकामी अवाम ने जिला इंतजामिया शोपियां से अपील की है कि वो क्लर बेल्ट की सड़कों को साफ करें ताकि अवाम को मुश्किल से राहत मिल सके। मैंने किसी जमपथरी में किसी रोड में इस वक्त गाड़ी नहीं चल रही है। तो ये सड़क तो ये बर्फी अभी था, मशीन आया है यहाँ, बहुत सड़क पर बर्फ है, इसमें गाड़ी जा नहीं सकती, इसमें मशीन ने पूरा साफ नहीं किया, इसीलिए गाड़ी की प्रॉब्लम हो रही है। बीमार है, पैदल चलते हैं बीमार, ये बूढ़ा देखो ये पैदल चल रहा है। सो एक
देखिए हमारे जो मैक्सिमम रोड्स है, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है या जो PMGSY या RMB डिपार्टमेंट के हैं, हमारे जो मेन प्रायोरिटी जो रोड्स थे वो सारे ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ का जैसे आप रोड देख सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पे स्लिपरी रोड्स हैं, लेकिन उसके पीछे यहाँ के रोड्स का जो आप देख रहे हैं काफी ज्यादा चढ़ाई है, तो गाड़ियों का चढ़ना मुश्किल है। जो हमने पहले भी एडवाइस दी थी यहाँ पे जो हमारे सुमो ड्राइवर्स हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं कि वो एंटी स्किड चेन जो है वो साथ यूज करे गाड़ियों में, तो उसके बिना ना चले ताकि इससे लोगों को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम अभी फील्ड में हैं, सारे हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट सारे हैं। जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही है, लोगों की कंटिन्यूसली कॉल्स भी आ रही है हमें, तो जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रायोरिटी पे हम उस चीज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जिला शुपियान और जिला पुलवामा को मिलाने वाला वाहिद रास्ता जो है वो ये रास्ता है कि अभी भी यहां से पूरी तरह से जो है बर्फ नहीं उठाई गई है, जिसकी वजह से जो दर्जनों देहाती गांव है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कटे हुए हैं। लेकिन अगरचे इंतजामिया की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि सड़कों से बर्फ हटाए, ताहम जो केलर का इलाका यहां पे ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से यहां का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं कि यानी केलर का जो मेन बस स्टैंड है यानी कि सोमो स्टैंड है, वहां से लोग ये देखिए पैदल आ रहे हैं, तो करीब यानी कि 2 से 3 किलोमीटर का सफर जो है पैदल तय करना पड़ रहा है, लोगों को काफी मुश्किलात है। और यहीं से जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ केलर का है, वहां भी पूरी तरह से बर्फ नहीं उठाई गई है, जिसकी वजह से बीमार और तैमारदार काफी परेशान है। फिलहाल अगर हम तहसील केलर की बात करेंगे, पूरे जिला शुपियान में कई सड़क रास्ता जो है वो अभी भी मुनकत है, ताहम शुपियान के अंदरूनी रास्तों से या मैक्सिमम जो रास्ते है तो वहां से बर्फ हटाई गई है, लेकिन इन इलाकों से अभी तक पूरी तरह से बर्फ नहीं हटाई गई। इरशाद मलिक, न्यूज 18 नेटवर्क, शुपियान। घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अब भी ट्रैफिक के लिए बंद है और ये कोशिश की जा रही है कि जो LMVs है उनको छोड़ा जाए जम्मू से श्रीनगर की ओर या फिर श्रीनगर से जम्मू की ओर। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ट्रक्स है उनकी लंबी लंबी कतारें किस तरह से यहाँ पर जमा हो गई है और किस तरह से ये लोग जो है इस इंतजार में है कि रास्ता खुल जाए और ये लोग अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर नेशनल हाईवे खुल जाता है तो HMVs को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि जो स्ट्रैंडेड HMVs है जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में उनको सबसे पहले प्रायोरिटी बुनियादों पर आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं कि बर्फ किस तरह से जमा है नेशनल हाईवे के दोनों साइड्स में और किस तरह से ये लोग जो है दरमांदा हुए हैं, स्ट्रैंडेड हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से निकल जाए। और दूसरी जानिब इन लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की जानिब से जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही है और ये लोग काफी मुश्किलात से दुचार हैं। आप नाम बताइए अपना और बताइए कहाँ से आप हैं और क्या क्या असुविधाएं हो रही है। मेरा नाम सर राजू है, मैं कठुआ से हूँ। तो हम कठुआ से आटा लेकर आए थे तो कल अनलोड किया था, तो कल बर्फ शुरू हो गया था, कल से रास्ता भी बंद है, तो कल से हम इधर ही फंसे हुए हैं अभी तक जी। तो कोई मदद आपको मिली प्रशासन? कोई मदद नहीं मिली जी, बहुत मुश्किल है इधर, ना तो पानी मिल रहा पीने को, दूसरी बात है इधर बाथरूम जाने को भी बहुत परेशानी है जी। तो आप बताइए कहाँ से आप और क्या आप भी ड्राइवर हैं? जी हाँ। मेरा नाम मक्खन दीन है, मैं तहसील बसोली से हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, और यहाँ आया था मैं बम्बई से डायपर लेके, वो खाली कर दिए परसों, खाली करके कल लोड करके यहाँ खड़े हैं, कल से जाम में, ये बर्फ पड़ रही है और रास्ता बंद है, ना कोई खाने का है, ना कोई पीने का है, ना तो बाथरूम जाने का है, जैसे तैसे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ना तो कोई आया ना गया, कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा, जैसे खड़े हैं वैसे खड़े हैं। तो इधर क्या क्या असुविधाएं हो रही है आप, बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं है इधर, बाथरूम जाने गाड़ी के नीचे भी नहीं उतर सकते, अगर उतरेंगे गाड़ी इधर उधर टेढ़ी लगाएंगे तो लोग मारने पड़ते हैं कार वाले, कोई आ गया गलती से भी, यहाँ गाड़ी नहीं साइड हो रही है, गाड़ी स्लिप मार रही है, तो उल्टा लोग मारने पड़ते हैं, सुविधा मतलब हेल्प करने वाला कोई नहीं है जी। तो हम आपको बता दें कि जो ये असुविधाएं इनको हो रही है और इसके अलावा प्रशासन की ये कोशिश रहती है कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे इसको जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एवलांच वार्निंग भी यहां पर जारी कर दी है और जिसकी वजह से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है अथॉरिटीज की तरफ से कि जो ट्रैवलर्स है वो फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने से गुरेज करें और अगर इमरजेंसी की सूरत हाल में इनको निकलना पड़ता है तो सबसे पहले जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स है उनके साथ राबिता कायम करें, तभी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर शुरू करें। लेकिन अभी तक जो ताजा तफसील हमारे पास है तो उसके हिसाब से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है अभी भी फुली रेस्टोर नहीं हुआ है, हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि जो LMVs है उनको छोड़ा जाए जम्मू से श्रीनगर की ओर या फिर श्रीनगर से जम्मू की ओर, और जो HMVs है फिलहाल इनको रोक के रखा गया है। न्यूज 18 के लिए नेशनल हाईवे काजीगुंड से मुदस्सिर कादरी।
बारामूला जिले में ताज़ा बर्फबारी ने मकामी लोगों खासकर किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट पैदा कर दी है। बालाई इलाकों में रफियाबाद, हाजीबल, चंदूसा, रामपुरा, दीगर पहाड़ी इलाकों में 8 इंच तक 1 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। चिलकला में होने वाली बर्फबारी को बागवानी और जरिए शोबों के लिए फायदेमंद समझा जा रहा है। बर्फबारी से ढके इलाके खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। इस बीच बादलों से निकलने वाली धूप ने कुदरत के हुस्न को दुबाला कर दिया है। बर्फबारी की वजह से बच्चों में सबसे ज्यादा खुशी देखी जा रही है। चिलकलां की ताजा बर्फबारी से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि चिलकलां की बर्फबारी के लिए काश्तकार और बागात के मालिकान दुआएं मांगते थे। बर्फबारी से आने वाली गर्मियों के मौसम में पीने और आपाशी के लिए पानी दस्तियाब होगा। सरहद के मैदानी इलाकों में रात गए तक बर्फबारी जारी रही। नाजरीन आदाब। नाजरीन, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक आज चिलकलां की ताज़ा बर्फबारी जारी है, के नतीजे में पूरे जिले में जो है इस वक्त खूबसूरत माहौल देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि किसान और मालिकान बागात जबरदस्त खुश हैं। वो चाहते हैं कि अब की बार ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी हो, ताकि साल भर यहाँ पर जो उनके मुश्किल रहते हैं पानी के हवाले से वो खत्म हो। लेकिन इस बीच सरहदी इलाके करना, केरन और मस्जिल के तीनों सड़क रबते आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं, यानी कि मैदानी इलाकों में भी आज चिलकलां की ताजा बर्फबारी जारी है, जिसके नतीजे में आज एक खूबसूरत सा माहौल हमें देखने को मिल पा रहा है। अब की बार यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक चिलकलां की बर्फबारी जारी है, यानी कि हम ये कहेंगे कि कश्मीरी आवाम के लिए चिलकलां में बर्फबारी एक नेक शगुन के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मालिकानी बागात और किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो चाहते हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी हो, ताकि आने वाले वक्त में मौसम गर्मा में लोगों को पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज कहा, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि उन्होंने 50 बर्फ हटाने की मशीनों को तैयारी की हालत में रखा है, जबकि करना, केरन और मच्छल के तीनों सड़क रातों पर बीकन हुकाम सड़क को काबिल आमद रफ्त बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इधर SDM करना ने लोगों से तलकीन की कि वह अपनी नकल हरकत को महदूद रखे, क्योंकि एवलांच वार्निंग पहले से ही यहाँ पर दी गई है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से याहिया सुल्तान। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक ही खानदान के 4 अफराद अपने ही घर में बेहोश की हालत में पाए गए। बेहोशी की हालत में 4 अफराद पाए गए अपने ही घर में। मकामी लोगों की मदद से बेहोश होने वाले अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दी से बचने के लिए उन्होंने बुखारी का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। डॉक्टर्स ने दौरान शब बुखारी का इस्तेमाल न करने की आवाम से अपील की है। लोग डिफरेंट गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं गर्मी करने के लिए, कोई ब्लोअर लगाता है, कोई बुखारी जलाता है, कोई कोयला जलाता है। तो ये जो फैमिली है, इन्होंने कल बुखारी जलाई थी कमरे में, तो ऑब्वियसली कल बर्फ़ भी पड़ रही थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो रात भर इन्होंने बुखारी जलाई थी। तो उसी के साथ साथ उनके कहने के मुताबिक बुखारी में धुआं बहुत निकल रहा था, तो वो धुआं कमरे में जमा हो गया, तो ये फैमिली फिर उसी के साथ सो गई थी। तो सोते सोते इनको वो कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस हो गया था। तो ऑब्वियसली फिर ये जो बड़े हैं उन्होंने फिर अलार्म बजाया है, तो फिर नेबर्स सारे आए तो इनको हॉस्पिटल आए, तो वी हैव पुट देम अंडर ट्रीटमेंट। ये जो दो बच्चे हैं, वो एक तो 10 साल का बच्चा है, एक 8 साल की बच्ची है, दोनों हमारे ट्रामा रूम में हैं, दे आर अंडर कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन। वी आर ट्रीटिंग देम, होपफुली वी थिंक दे विल रिकवर। एक जो बच्ची है वो अनकॉन्शियस थी, वो थोड़ा कॉन्शियस हो गई है। जो बच्चा है होपफुली ही विल रिकवर। इफ दे डोंट रिकवर ऑब्वियसली वी मे हैव टू रेफर देम। हमारे जो पीडियाट्रिशियन है दे आर ही इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग देम। और जो एडल्ट्स है वो वार्ड में एडमिट है, दे हैव रिकवर्ड, उन
उनका ज्यादा कोई इशू नहीं है, हमारे पास इशू है दोनों बच्चों का। ब्रेक के बाद आपका खैर मुकदम है। नेहरू युवा केंद्र बारामूला और मरकजी सरकार की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इशराक से मीरपुर पटन में कायम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नेहरू युवा केंद्र बारामूला और मरकजी सरकार की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इशराक से मीरकुंड पटन में कायम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेम्परेट सीरीकल्चर में वादी के पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों में लीडरशिप पैदा करने के लिए 3 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम इख्ताम पजीर हो गया। इस प्रोग्राम में माहरीन ने शुरका को मुख्तलिफ गुर सिखाए और साथ ही सरकारी स्कीमों की भी जानकारी दी गई। इस तरबियती प्रोग्राम में काफी तादाद में लड़के और लड़कियों ने शिरकत की, उन्हें सर्टिफिकेट भी दी गई। नौजवानों ने इस प्रोग्राम पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा भी किया। बच्चों को ट्रेंड किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए, ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और बच्चे जो हैं बहुत खुश हुए। इसमें उन बच्चों को लिया गया जिसमें जिनमें हमने देखा कि ये इनमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है आगे सोसाइटी में काम करने के लिए, और बच्चे बहुत मुतासर हुए। जिसमें हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, रिसोर्स पर्सन को बुलाया था और ये बच्चे जो है पूरी ट्रेंड होके अब इंशाल्लाह निकलेंगे, ये ब्रिज की काम करेंगे गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान। बहुत स्किल सीखी है, अच्छी तरीके से हमें तरबियत दी है और हमें फ्यूचर में सीखने को बहुत कुछ मिल गया इन प्रोग्रामों से, इन स्किल्स के, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने और यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने अपनी स्कीमें बताई, जिस तरह ये वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाले उन्होंने भी अपनी स्कीमें बताई। उन इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम चाहते हैं ये आगे हम प्रोग्राम होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूएपीए और दीगर मामलात पर श्रीनगर पुलिस की मीटिंग। श्रीनगर पुलिस हेडक्वार्टर में क्राइम के हवाले से मीटिंग हुई है। एसएसपी श्रीनगर की सदारत में ये इजलास हुआ। तमाम रैंक के पुलिस अफसरान ने इसमें शिरकत की है। साल 2023 के अहदाफों तवक्कुआत पर तबादले ख्याल किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएपीए और दीगर मामलात पर श्रीनगर पुलिस की मीटिंग हुई। श्रीनगर पुलिस हेडक्वार्टर में ये अहम मीटिंग हुई है। एसएसपी श्रीनगर की सदारत में ये इजलास हुआ। तमाम रैंक के पुलिस अफसरान ने इस इजलास में मौजूद थे। साल 2023 के आदाब पर इस मीटिंग में तबादले ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हैं। गांधरबल लेबर कोर्ट ने मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को सोनमर्ग में बर्फानी तोदे की जद में आए 2 मजदूरों के लवाहिकीन को मुआवजा देने की हिदायत दी है। गांधरबल कोर्ट ने 16.5 और 15.5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की हिदायत दी है। अदालत ने एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा जारी करने को कहा है। गुजश्ता 5 सालों से फलों की सनत को मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होने वाले नुकसान के पेश नजर फयाजुल हसन और उनके दोस्तों ने सेलू सोपोर में आला कसाफत वाले पौधों की नर्सरी कायम की ताकि सेब के काश्तकारों को ज्यादा पैदावार वाली अकसाम की काश्त की तरफ रागिब किया जा सके। सेब की काश्त करने वाले काश्तकारों का पस मंजर रखने वाले इन दोस्तों ने साल 2020 में फलों के पौधों की तमाम दरामद शुदा अकसाम और जड़ों के जखीरे के साथ इस हाई डेंसिटी फ्रूट प्लांट की नर्सरी कायम की, जिसने वादी भर के फलों के काश्तकारों की तरफ से अच्छा रिस्पांस हासिल किया। फयाजुल हसन का कहना है कि अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ वो सेब के मयार को बेहतर बनाने में किसानों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे यकीनन उनकी पैदावार से अच्छी आमदनी होगी। बड़ी ब्रांचेस बड़ रखना पड़ता है, इसको हर साल हमें 2-3 ब्रांचेस जो है वो। जहाँ तक सवाल है कि हमें क्या लगा कि हम इसी अपने हॉर्टिकल्चर सेक्टर में वापस आए, सबसे पहले एक अगर बिजनेस भी देखें या फार्मर के लिहाज से देखें, सबसे पहले बिजनेसमैन देखता है कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो कैसे अवेलेबल रहेगा और उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका सेल जो रहेगा वो उसका मार्केट देखता है। तो जहाँ तक इस सवाल है इस इंडस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का, सब कुछ हमारे पास रूट स्टॉक अवेलेबल होता है,
हमने रूट्स पहले प्रोक्योर किए, उसके बाद हमने खुद ही मल्टीप्लाई किए उनको, उसके बाद हमारा ग्राफ्ट बर्डवुड तो अवेलेबल है ही। और जहाँ तक मार्केट का सवाल है तो मार्केट भी हमारा यहाँ लोकली है, तो हमें मार्केट देखने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। तो रहा सवाल इसका जो रूट स्टॉक का जो लेटेस्ट आ रहे हैं, इस पर काम करना, ये हमने इसलिए शुरू किया है काम रूट स्टॉक्स पे करना, क्योंकि जो हमारा यूथ है अभी सेचुरेशन इतनी हुई है गवर्नमेंट जॉब्स को लेके कि गवर्नमेंट जॉब तो अवेलेबल है नहीं, वो तो आप मिलेगा नहीं ऐसी, जहाँ तक हमारा जो देखते हैं हम बहुत कम है। तो उसके लिए जो हमारा एजुकेटेड यूथ है उसको आप चाहिए, मेरे ख्याल से अगर उसके पास जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो उसको यूटिलाइज करे। आज दोयम वरी अस इंशाल्लाह यूस रुझान लूकन हूँ ठीक योर यहाँ प्लांट इम्पोर्ट अमन कुन रुझान ठीक लूकन हूँ क्या अमे पे ठीक मतलब अत फ्रूट ने तम पे असल रेवन्यू तक प्लांट नीने तस्वीर गाइडेंस कर अवेयरनेस दिवस बिल्कुल प्लांट पत्मे वरी दी अस तुम गई थोड़ा गाइडेंस तो प्रूनिंग कर ओतरो सीजन प्रूनिंग तथा मन कोर मदद तुम तो बी क्या आज तुम मदद तो वह तुम सोरे कह प्रोवाइड कर रेस्पॉन्स कोता बिल्कुल यह असल रुझान लूकन हूँ योर तो लूख से जान ये क्या दिल रूट स्टॉक गो क्या तो लूक कैंप तरफ क्या बेनिफिट यह हाई डेंसिटी मतलब गो कम जमीन मे ज्यादा कुल लगे ये ज्यादा कुल लगे अत यह फ्रूट तेरह ज्यादा बनस्बत यम प्रन बाग तो बेनिफिट लूकन सल चल शुक्र अलहमदिल्ला यह आज ठीक वन तुल लूख बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।